ना पैसा है। और तीसरी बात क्या है, हमारे यहाँ लॉ की तालीम के ऊपर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। इसीलिए मैंने 7-8 साल से इस बात की कोशिश की है कि अपनी पब्लिक स्पीच में मैं ये कहता हूँ कि हम जिस तरह से डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाते हैं MBAs, उसी तरह से हमको अपने अच्छे बच्चों को भी एक आध लॉ में डालना चाहिए। ये सेगमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें भी भेजिए, क्योंकि इसमें दोनों चीजें, दीन भी है, दुनिया भी है। आप इसमें पैसा भी कमा सकते हैं, स्काई इज द लिमिट। और उसके साथ साथ आप चाहें तो कौम की भी मदद कर सकते हैं और मुल्क की भी, क्योंकि मुल्क को अच्छे वकील की भी जरूरत है, अच्छे जज की भी है। और मैं समझता हूं कि ये बात आनी चाहिए, क्योंकि हर जगह हमारा जरा सा कोई आदमी उभरता है उसको फंसा देते हैं। हमारा कोई अच्छा इदारा होता है, 10 उस पर, जैसे अभी आपने कहा, 10 चीजें उस पर डाल दी जाती है, फंस जाता है। हमारी तरफ से बाबरी मस्जिद में भी पैरवी करने वाले दूसरे लोग, शाहबानों में भी पैरवी करने वाले दूसरे लोग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का केस पेंडिंग इलाहाबाद में था, आप दिल्ली में है माइनॉरिटी कैरेक्टर का, उसमें भी दूसरे लोग। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम लॉ की अहमियत को समझें। हम चूंकि लॉ की अहमियत को नहीं समझ रहे हैं, इस वजह से ना हमारे पास क्वालिफाइड वकला है ना जजेस।